वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सुबह 8 बजे रविवार की सुबह 8:20 पर रामपुर जिला कारागार से लाकर हरदोई जिला कारागार में शिफ्ट किया गया। सूत्रों की माने तो सपा नेता आजम खान को सीतापुर जेल लेकर जा रहे हैं, तो वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को हरदोई जिला कारागार में लाया गया। इसके अलावा आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को रामपुर जिला जेल में ही रोका गया। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर 2023 को अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा और छोटे बेटे अब्दुल आजम खान को कोर्ट ने 7 साल की कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके बाद पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उन्हें रामपुर जिला कारागार में भेज दिया गया था। लेकिन 22 अक्टूबर को अब्दुल्ला आजम को रामपुर जिला कारागार से बाहर निकालकर हरदोई शिफ्ट कर दिया गया है।